विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित प्रभासाक्षी.com के संपादक श्री नीरज दुबे जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सबसे पहले तो आप सबके दर्शन करके आनंद आ गया, और आप सब लोग जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए आने वाले हैं, मीडिया बिरादरी में प्रवेश करने वाले हैं, आप सबको बधाई। और मैं सबके चेहरे पर उत्साह जो देख रहा हूं, आप लोग बड़ी गंभीरता से ऐसे विषयों को सुन रहे हैं, कुछ लोग नोट भी कर रहे हैं। यकीनन आप लोगों की जो रिपोर्टें हैं आने वाले समय में वो चमत्कार करेंगी, मेरी सबकी साथ शुभकामनाएं हैं। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं, और भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय भाषा समिति, IMC के आदरणीय महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी जी तथा सभी सम्मानित बंधुओं को नमस्कार। मैं IMC के सभी पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूं कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान ने भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी.com की ओर से मुझे आज इस परिचर्चा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। निश्चित ही मेरे लिए भी गौरव की बात है। डिजिटल तकनीक और भारतीय लिपिया विषय पर चर्चा करने से पहले जरा थोड़ा आपको इतिहास में ले चलते हैं। इतिहास की बात मैं तथ्यों के साथ करूंगा ताकि आप बोर ना हों। साथ ही यदि आपको लगे कि मैं विषय से भटक रहा हूं तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं विषय पर लौट आऊंगा। अपने अनुभव से कुछ बातें आपको आज बताऊंगा जो आपको शायद कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो डिजिटल मीडिया में लगभग 22-23 वर्षों का जो अनुभव है वो थोड़ा सा आज संक्षेप में रखूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, चिंता मत करके। विषय से शुरुआत करते हैं, भारत में डिजिटल मीडिया के प्रारंभ काल से। और देखें तो भारत में डिजिटल मीडिया ने सन 2000 की शुरुआत में पांव पसारना शुरू कर दिया था। मैं उस समय का एक माहौल आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जब आप लोग, बहुत सारे लोग छोटे रहे होंगे, कुछ लोग हमारी उम्र के होंगे तो वो समझ पाएंगे, कुछ पुराने दिन याद आएंगे शायद आज उनको। भले शुरुआत में अंग्रेजी भाषा की समाचार वेबसाइटों की बहुतायत रही हो, लेकिन हिंदी समाचार वेबसाइटों और पोर्टलों की शुरुआत भी उसी समय हुई थी जब अंग्रेजी ने कदम बढ़ाया था। उस समय संख्या और तकनीकी क्षमताओं के लिहाज से भले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की समाचार वेबसाइटें पीछे रही हों, लेकिन इन दो दशकों से ज्यादा समय के सफर में भारतीय भाषाओं की जो समाचार वेबसाइटें हैं और जो तमाम पोर्टल हैं, वो संख्या के मामले में, कंटेंट की गुणवत्ता के मामले में, तकनीकी क्षमताओं के मामले में अंग्रेजी को पछाड़ने में सफल रहे हैं। यही नहीं, कल तक अगर भारतीयों के कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर अंग्रेजी राज करती थी तो आज समय बदल चुका है और राज हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का है। कल तक भले हमको सर्च इंजनों पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में कुछ ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आज बदले वक्त में वही सर्च इंजन न सिर्फ आपकी मनचाही भाषा में तमाम परिणाम लेकर हाजिर हैं, बल्कि आपको नोटिफिकेशन भेजकर बताते हैं, बोलते हैं कि भैया आपको आपकी भाषा में सर्च करना है तो आप टाइप मत करिए, बोल दीजिए, हम ढूंढ कर लाएंगे, हम है ना। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है अगर हम इन दो दशकों से ज्यादा समय में जो एक देखा हमने जो तकनीकी विकास होते हुए। और आज की इस कंप्यूटर आधारित दुनिया की अगर बात करें तो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी की तरह विरासत में तकनीकी क्षमताएं नहीं मिली थी। एक वक्त था जब हिंदी का कंटेंट पढ़ने के लिए तमाम तरह के फॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ते थे। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उस समय क्या स्थिति थी, आज आप लोग जो तकनीक के इस युग में जो कुछ बहुत आसानी से कर पाते हैं, उस समय क्या स्थिति थी ये समझिएगा। अगर आपको कोई हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में ईमेल भेज दे तो उसे पढ़ने के लिए तमाम फॉन्ट परिवर्तकों का सहारा लेना पड़ता था। यदि किसी को हिंदी या फिर किसी अन्य भारतीय भाषा में ईमेल भेजते थे तो साथ में फॉन्ट अटैच करके भेजते थे ताकि वह पढ़ ले, लेकिन यह भी, इससे भी काम नहीं हो पाता था। फ्लॉपी के उस जमाने में हार्ड डिस्क पर कम स्पेस होने के चलते लोग तमाम फॉन्टों को उसी तरह इंस्टॉल करने से बचते थे जैसे कि आज के युग में आप तमाम तरह के मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से बचना चाहते हैं ताकि मोबाइल में स्पेस बना रहे। कई बार ऐसा भी होता था कि जो फॉन्ट अटैच करके भेजा गया है वह पाठक या प्राप्तकर्ता के सिस्टम के अनुकूल नहीं होता था, जिससे भेजे गए ईमेल का प्रिंट निकालकर उसे दोबारा फैक्स से भेजना पड़ता था, क्योंकि अगर स्कैन फाइल अटैच करके भेजें तो भी दिक्कत थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं होती थी कि कोई पत्र आसानी से अटैच कर आप अपलोड कर सकें और सामने वाला उसे डाउनलोड कर सके। इस प्रक्रिया में इंटरनेट का इतना खर्च आ जाता था कि उससे सस्ता तो फैक्स पड़ता था। सिर्फ पाठक की ही समस्याएं थी ऐसा नहीं है।
एक पत्रकार के रूप में हमें भी समस्या होती थी, यदि किसी एजेंसी से कोई, आज आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एजेंसी है आपके पास या कुछ भी है, तो आप लोग कॉपी कर लेते हैं, अधिकतर लोग एजेंसी को कॉपी करके थोड़ा बहुत उसका पहला पैरा थोड़ा चेंज करके अपनी भाषा में और उसको पोस्ट कर देते हैं ताकि वो खबर पहले चली जाए, फिर बाद में जैसे विश्लेषण उसका आपको करना है तो वो चीज़ें बाद में जाती हैं। अब उस समय क्या दिक्कत थी कि पत्रकार के रूप में जो समस्या होती थी वो ये थी कि कोई एजेंसी की कोई खबर आई है तो आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं करवाते थे, क्योंकि एजेंसी का फॉन्ट अलग होता था, आपके संस्थान का अलग होता था। ऐसे में खबर का प्रिंट लेकर उसे दोबारा टाइप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज तो आप किसी समाचार पत्र की पूरी खबर या पीडीएफ या कहीं भी प्रकाशित सामग्री को अपने मोबाइल से स्कैन करके वो पूरा टेक्स्ट कॉपी करके अपने पीसी में ले सकते हैं, लेकिन तब यह सुविधा नहीं थी। फॉन्टों की इतनी दिक्कत थी कि यदि आपको पता है कि आप जिस फॉन्ट में, मान लीजिए कि आपको पता है कि नवभारत टाइम्स में ये अमुक फॉन्ट उपयोग होता है और आपने उसी फॉन्ट में लेख लिखकर संपादक को भेज दिया, अब वो वहां पर वो आपने तो अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरती है, लेकिन वो वहां पहुंचकर भी आपका जो आलेख है वो जैसा आपने भेजा है वैसा नहीं पहुंचता था। असल में क्या था कि बहुत सारे उस समय जो कीबोर्ड थे उसमें, अभी तो बहुत सारे हमारे जो अक्षर हैं वो एक ही की से टाइप हो जाते हैं, उस समय दो की से, मान लीजिए भा लिखना आपको तो दो की आपने दबाई, अब जब वो संपादक के पास आलेख पहुंचा है तो उसमें से आपके आलेख में जहां जहां भय आया है या जहां जहां क्षय आया है या कुछ और अक्षर थे वो सारे के सारे गायब हैं, तो वो समझ ही नहीं पता था आपने लिखा क्या है, तो आपको फिर से वो प्रिंट निकाल के या फैक्स करके या आपको जाके उसका कॉपी लेके आना पड़ता था। तो ये सब चीजें एक बड़ी दिक्कत थी उस जमाने में, जो जमाना भी क्या बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये नहीं, मुझे ध्यान आता है कि साल 2002 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा में हो रही थी, वहां मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए अपनी खबरें भेजने के लिए तमाम तरह के संचार के साधन उपलब्ध थे। मुझ सहित तमाम पत्रकार जो कि हिंदी मीडिया से जुड़े थे उनको खबर कंप्यूटर पर टाइप करके फैक्स भेजना ही ठीक लगता था। अब क्यों ठीक लगता था कि मैंने टाइप कर लिया उसके बाद प्रिंट निकाल के फैक्स की क्यों कर रहा हूं, जबकि वहां पे सारे संसाधन उपलब्ध थे। अब वो हम इसलिए भेजते थे क्योंकि खबर जैसे ही हमने अपने, हमारा जो CMS होता है, जब आप डिजिटल मीडिया में आएंगे तो कंट्रोल मैनेजमेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें आप जब भी कोई खबर अपनी टाइप करते हैं उसका पोस्ट करते हैं तो उसमें आपने टाइप करके उसको पोस्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट हुई तो वो फॉन्ट गड़बड़ा जाते थे क्योंकि वहां पर आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं भले ही आप सेम फॉन्ट को यूज कर रहे हैं लेकिन वो फॉन्ट ऐसे दिक्कत करते थे कि वो खबर गड़बड़ा जाती थी आपकी, और उसको फिर डिलीट कराने के लिए दिल्ली फोन करना पड़ता था टेक्निकल टीम को कि भैया डिलीट कर दो। कई बार ऐसा भी होता था क्योंकि तकनीक इतनी उस समय तकनीकी दक्षता खासतौर पे जो भाषाई वेबसाइटें थी उनके समक्ष इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। अब होता क्या था कि अब मान लीजिए कि कोई फॉन्ट गड़बड़ा गया है, अब वो फॉन्ट गड़बड़ा गया और अपने मुख पृष्ठ पे अगर खबर लगाई है तो वो पूरा पेज ही आपका डाउन हो जाता था, वो टेक्निकल टीम को घंटों लग जाते थे उसको सॉल्व करने में, खबर डिलीट हो गई है तो सर्वर से भी डिलीट होगी, जब तक नहीं सर्वर से डिलीट होगी तब तक वो होम पेज पे एरर आएगी, उतनी देर आपकी वेबसाइट ठप रही, तो ऐसे तमाम परेशानियां थी वहां पर एक पत्रकार के तौर पर। तो अब आप सोचिए कि ये जो परेशानी थी कितनी बड़ी परेशानी थी कि निर्भीक से निर्भीक पत्रकार भी फॉन्ट से डरता था, फॉन्ट की समस्या से डरता था कि भैया ये गड़बड़ करा देगा, फिर डांट पड़वाएगा, आपने तो खबर त्वरित भेज दी लेकिन डांट भी पड़ गई साथ में। तो आज से 15 साल की बात, पहले की बात अगर मैं करता हूं तो कोई अपनी वेबसाइट को साज सज्जा बेहतरीन रखने के चक्कर में अलग अलग तरह के सब लोग फॉन्ट उपयोग करते थे कि किसी को लगता था कि नहीं मेरे तो जो वेबसाइट है डिजाइन पर बहुत लोगों ने ज्यादा मंथन किया, कंटेंट की अपेक्षा उसके मुकाबले ज्यादा उस पर करते थे, तो फॉन्ट अलग अलग रखते थे, उससे बड़ी दिक्कत होती थी। और फॉन्टों में एकरूपता नहीं होने के चलते ही जो हिंदी और भारतीय भाषाएं थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि सब जगह फॉन्ट अलग थे, कोई कितने फॉन्ट इंस्टॉल करेगा, तो ये एक बड़ी एक समस्या थी। और एक समस्या और थी कि हर फॉन्ट का टाइपराइटर थोड़ा भिन्न होता था। अब आज आप मान लीजिए कि एक्स टाइपराइटर में आपने टाइपिंग सीख ली है, आपने उसमें पारंगत हो गए हैं, अब आपने संस्थान चेंज किया है या थोड़ा टेक्नोलॉजी और विकसित हो गई है तो आपको दूसरा टाइपराइटर मिल गया, तो अब आपको थोड़ा बहुत वो की चेंज होती है तो आपकी जो स्पीड थी जो आपने उसमें अर्जित कर ली थी वो थोड़ा यहाँ पर आकर उसको नुकसान होता था उस स्पीड को। और एक चीज और थी कि कई जब ये हुआ कि भाई खाली हिंदी ही क्यों और भारतीय भाषा, खाली अंग्रेजी क्यों, हिंदी और भारतीय भाषाओं को भी वरीयता मिलनी चाहिए,
तो बड़े जो संस्थान थे वो आगे आए थे, लेकिन खाना पूर्ति के लिए आगे आए थे। जैसे मैं नाम भी लेना चाहूंगा, रेडिफ थी, सिफी, याहू आदि ने भी अपने हिंदी और अन्य भाषा के वर्जन लेकर आए थे, लेकिन ये चल नहीं सके क्योंकि एक तो दिखावे के लिए सिर्फ भारतीय भाषाओं में सामग्री प्रदान की गई थी, और दूसरा पाठक के पास कितनी दक्षता है, उसके पास मौजूद जो गैजेट्स हैं वो कितना सक्षम है, इसका आकलन किए बिना ये वेबसाइटें शुरू की गई थी, पेज शुरू किए गए थे, और इसलिए उनका हश्र जो था वो अच्छा नहीं हुआ। मैं प्रभा साक्षी का अनुभव भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हमने कुछ शहरों में रीडर्स फोरम आयोजित किए और कंटेंट को लेकर पाठकों की इच्छा को जाना और उनकी जो तकनीकी दिक्कतें थी उनको भी समझा। इसके बाद हमने वेबसाइट पर एक फीचर देना शुरू किया। अब आप सोचिए कि उस जमाने में कैसे जो फीचर्स, आज तो वो पुराना युग आप कहेंगे सुनने के बाद कि कैसी कैसी चीजें करनी पड़ती थी। उसके बाद हमने वेबसाइट पर एक फीचर देना शुरू किया। वेबसाइट हमारी कृति फॉन्ट में खुलती थी, लेकिन आपको 3 विकल्प मिलते थे जिससे कि आप उस समय प्रचलित कुछ अन्य फॉन्टों में भी न्यूज पोर्टल को पढ़ पाते थे। जैसे मान लीजिए आपने कृति में है, अब आपने उसको ऊपर जाके सेलेक्ट किया कि मेरे सिस्टम में तो चाणक्य है, तो आपने चाणक्य जैसे सेलेक्ट किया तो पूरा पेज जो है वो चाणक्य में परिवर्तित होकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता, तो आप उसको पढ़ पाते थे। तो ऐसे 2-3 फॉन्ट जो उस समय प्रचलित थे उसमें हम लोग पाठक को सहूलियत के लिए सब चीजें करते थे। जब यूनिकोड आया तो हमने भी उसे अपनाया, लेकिन हमने उस पाठक को नहीं त्यागा जिसके पास अब भी पुराने कंप्यूटर थे। इसलिए हमने उसे विकल्प दिया कि आप चाहें तो यूनिकोड में पढ़ें या फिर कृति या उस समय अन्य उपलब्ध और प्रचलित फॉन्टों में। यहां पर हमको जो सीख लेनी है वो ये है कि आपको तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में खुद को अपडेट रखते हुए उसका भी ख्याल रखना है जिसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि आपको उसको छोड़ नहीं देना है, ये ध्यान रखना हमको। और आज का ये जो डिजिटल इंडिया है इसको हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः लोकतांत्रिक है। हम आपको वह समय भी याद दिलाना चाहते हैं जब अंग्रेजी भाषा की वेबसाइटों के जरिए ही न्यूज अलर्ट SMS से मंगवाने, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए टिप्स SMS से मंगवाने या इसी तरह की अन्य सुविधाएं मिलती थी। उस समय अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच यह जो खाई थी वह बहुत अखरती थी, लेकिन वक्त बदला और आज भारतीय भाषाओं को ही बोलबाला है। आज एलेक्सा से लेकर गूगल तक, ChatGPT से लेकर GPS तक आपकी भाषा समझ रहे हैं और आपकी भाषा बोल रहे हैं। आज आप भारतीय भाषाओं में गूगल समेत अन्य वेबसाइटों के जरिए मिलने वाले टाइपिंग टूलों में आसानी से टाइप कर लेते हैं। आपको हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी बढ़िया टाइपिंग कर लेते हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग हिंदी टाइपिंग नहीं जानते थे और अपने जो जानते थे वो अपने इस कौशल पर इतराते थे, और जो नहीं जानते थे उनको लगता था कि वो कैसे सीख पाएंगे, उनको बड़ा क्लिष्ट लगता था जब वो देखते थे कि सामने वाला कैसे टाइप कर रहा है, ये सब चीजें तो बड़ा क्लिष्ट लगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने सब चीजें आसान कर दी है और तकनीकी विकास ने सबको जो अस्त्र शस्त्र है उससे सुसज्जित कर दिया है। तो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल जो इंडिया है ये पूर्णतः लोकतांत्रिक है, और आज बदले वक्त में हर जगह हर मंच पर आपको आजादी है, जिस भाषा में चाहते हैं अपनी बात लिखिए, कहिए, अनुवाद करिए। और खासतौर पर यह जो लिपि या फॉन्टों की तकनीकी समृद्धि का हम कमाल कहेंगे इसको, कि आज अंग्रेजी की तरह वेबसाइटों के URL भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हैं। अंग्रेजी की तरह किसी भी डॉक्यूमेंट का फाइल नेम या फोल्डर नेम आप हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में लिख सकते हैं। जिस विषय पर भी ज्ञान अथवा जानकारी चाहते हैं उसके लिए आपकी भाषा में तमाम वेब पेजेस और यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार है। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करनी हो, दूध सब्जी बेचने वाले सामान्य मोबाइल ऐप से खरीदारी करनी हो, यह सब आज भारतीय भाषाओं का उपयोग करते हुए संभव हो पा रहा है क्योंकि तकनीकी विकास हुआ है। और एक चीज हम देखते हैं और कि खासतौर पर जब हम कहीं कस्टमर केयर पर फोन मिलाते हैं तो भले कुछ समय पहले तक किसी भी कस्टमर केयर पर आप फोन मिलाएं तो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए 2 दबाना पड़ता था, लेकिन आज वक्त बदल रहा है, 1 दबाने पे आ रही है भारतीय भाषाएं, हिंदी भी आ चुकी है और भारतीय भाषाएं और हमारी जो है वो भी आ रही है। और आज जो सरकार है, अब देखिए इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया कि सरकार ने भी जो क्लिष्ट हिंदी थी, जो थोड़ी कठिन हिंदी थी उसको छोड़ा है और सिर्फ एक जो कुछ अनुवाद करके डाल दिए जाते थे जानकारी, अगर हिंदी में भी वेबसाइट है, अंग्रेजी में वेबसाइट है और हिंदी में भी है तो थोड़ा सा अनुवाद करके कुछ ना कुछ सामग्री डाल दी थी, लेकिन आज सरकार का भी थोड़ा सा सोच बदली है। आज सरकारी वेबसाइटों के हिंदी तथा अन्य भाषाई संस्करण सिर्फ औपचारिकता पूरी करना या खानापूर्ति नहीं दिखती, बल्कि अंग्रेजी संस्करण की तरह हर जानकारी वहां भी उपलब्ध होती है। सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना की जानकारी चाहिए तो आवेदन पत्र से लेकर स्वीकृति पत्र तक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा मोबाइल है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉन्टों में एकरूपता होने के चलते आपको सारी सामग्री सब जगह एक जैसी प्राप्त होती है। आप उसे सेव कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए या सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, कहीं से भी लिखित सामग्री गड़बड़ाएगी नहीं, वही दिखेगा जो आपने लिखा है। तकनीक के किसी भी मोर्चे पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के मुकाबले पिछड़ नहीं जाएं, इसके लिए आज जो प्रयास हो रहे हैं, यदि वह बहुत पहले शुरू हो गए होते तो आज वाकई में स्थिति कुछ और होती। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना होगा कि भारतीय भाषाओं के विकास, विस्तार और उसके उज्जवल भविष्य के लिए सिर्फ सरकारी प्रोत्साहन या सरकारी प्रयासों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। हम सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। जैसे फॉन्टों की समस्या को दूर करने के लिए जितने प्रयास सरकारी स्तर पर हुए, उससे ज्यादा निजी स्तर पर हुए। जब लेखकों और पाठकों को फॉन्टों की समस्या से जूझना पड़ता था, तब अनेकों ऐसे डिजिटल दिलदार, मैं उनको डिजिटल दिलदार बताता हूं, जिन्होंने ऑनलाइन कन्वर्टर मुफ्त में इंटरनेट पर उपलब्ध करवाए हुए थे, ताकि आप किसी खास फॉन्ट में प्रकाशित सामग्री को अपने मनचाहे फॉन्ट में परिवर्तित कर सकें। आज अगर सरकार डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ पाई है, तो उसका प्रमुख कारण यही है कि हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं का इंटरनेट पर विस्तार और सशक्तिकरण हुआ है। हिंदी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं में आज इतना कंटेंट लिखा और पढ़ा जा रहा है कि अंग्रेजी का बैंड बज गया। थोड़ा सा अभी जो नेशनल मीडिया है, मैं उस पर आ रहा हूँ। आप लोग क्योंकि पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को जरा ये ध्यान से, जरा जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मैं जरा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज नेशनल मीडिया में जो बड़ी खबरें होती हैं, उसमें अधिकांश ऐसी होती हैं जो कि किसी क्षेत्रीय भाषा की वेबसाइट या समाचार पत्र ने ब्रेक की होती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप इसको, मैं दोबारा बोलता हूँ कि आज नेशनल मीडिया में जो भी बड़ी खबरें होती हैं, उनमें अधिकांश ऐसी होती हैं जो कि किसी क्षेत्रीय भाषा की वेबसाइट या समाचार पत्र ने ब्रेक की होती है। आज सभी मीडिया हाउसों में अनुवादकों की मांग इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी भाषा की वेबसाइटें बड़ी खबरें ब्रेक कर रही हैं और अपडेशन की तीव्रता के मामलों में अन्यों से आगे निकल रही हैं। इनकी खबरें ट्रेंड हो रही हैं, जिसको देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी मीडिया हाउसों में क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित वेबसाइटों पर खासतौर पर नजर रखी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने पाठकों को दिया जा सके। परिदृश्य इसलिए भी बदला है क्योंकि पाठकों और दर्शकों की इच्छा सिर्फ दिल्ली या महानगरों की खबरों या वहां की हलचलों पर नजर रखने से आगे बढ़कर भारत के हर भाग में हो रही घटनाओं और वहां चल रही गतिविधियों को जानने और समझने की हो गई है। आज कंप्यूटर पर हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। आज ज्यादातर मोबाइल एप्स हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में बन रहे हैं, जिससे डिजिटल मंच पर भारतीय भाषाओं की ताकत बढ़ती जा रही है। आज जिस तेजी के साथ हर हाथ में स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट डाटा पहुंच रहा है, उसने हर यूजर को देश दुनिया के समाचारों के प्रति, नई गाड़ियों और आने वाले मोबाइल फोन के फीचर अपनी भाषा में जान लेने की भूख बढ़ा दी है। भारतीय भाषाओं में जो लोग विभिन्न विषयों को लेकर शौकिया ब्लॉगिंग करते थे, आज वह सफल यूट्यूबर बन रहे हैं और लाखों रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं। हमारे देश में आधे से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स अपनी भाषा में कंटेंट पढ़ते हैं, इसलिए आज हर छोटी बड़ी कंपनी डिजिटल मंच पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में जुटी है। सबने देखा कि कोरोना काल में जब सिनेमाघर बंद हो गए, शूटिंग रुक जाने से धारावाहिकों की नई कड़ियां आनी बंद हो गई, तो एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी OTT ने राहत प्रदान की। जरा कोरोना काल से पहले के आंकड़े देख लीजिए, OTT पर ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही सामग्री की भरमार थी, लेकिन आज OTT के प्लेटफॉर्म भी बड़े हैं और भारतीय भाषाओं में बनी सामग्री राज भी कर रही है। जाहिर है, सबसे रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी हो रहा है, और जब इस डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए भारतीय भाषाओं का जो भविष्य है वो उज्ज्वल ही उज्ज्वल है, तो अंग्रेजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिस भी भाषा में पत्रकारिता करते हों, जो अब लोग पास आउट होने की बिल्कुल करीब हैं, वो जरा ध्यान दें कि हम जिस भी भाषा में पत्रकारिता करते हों, हम सभी भारतीय भाषाओं को हमको साथ लेकर चलना ही है। साथ ही आप यदि IT में रुचि रखते हैं और यदि हिंदी या बंगाली या मराठी भाषा भाषी के लिए कोई तकनीक विकास कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि उसका लाभ सभी भारतीय भाषाओं को मिले। अपनी मातृभाषा से प्यार जायज है, लेकिन बाकी भारतीय भाषाएं भी हमारे परिवार की हैं, इसलिए सभी का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप सभी जल्दी ही मीडिया में अपना करियर बनाएंगे, इसलिए अपने एक अनुभव से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जब हम दिल्ली NCR से बाहर निकलते हैं और गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, या दक्षिण में जाते हैं, पूर्वोत्तर में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, तो लोगों की नेशनल मीडिया से जो शिकायत रहती है, वो कहते हैं कि आप हमारी खबर नहीं दिखाते, आप हमारे बारे में कुछ नहीं बताते। ये एक बड़ी दिक्कत होती है। तमिलनाडु दौरे के दौरान एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, शिकायती लहजा था उनका, उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया 2400 घंटे दिखा रहा है कि दिल्ली में बारिश है, जगह जगह जल भराव है, गाड़ियां फंस गई हैं ट्रैफिक में, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा कि कोयम्बटूर में पुलिस की गोली से कुछ लोग मारे गए हैं,
ये एक बड़ी शिकायत है कि हमको क्या खाली दिल्ली एनसीआर की जो खबरें हैं वही नेशनल मीडिया में रोजाना चलनी चाहिए, दिन भर 24 घंटे वही चलनी चाहिए, या जो बहसें हैं सिर्फ वही चलनी चाहिए। देश कितना बड़ा है, क्या हम वो सारी टॉप 100 लोग बना देते हैं? टॉप 100 में कितनी स्पीड से पढ़ी जाती है आपको पता नहीं होगा कि ये जो 20वीं खबर थी, जब आप 25वीं पे आएंगे तो 20वीं खबर क्या थी पता नहीं चलता आपको। तो ये हमको हर क्षेत्र की खबरें देनी है, ये हमको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए राष्ट्र प्रथम की सोच रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय होना है। हमारे लिए अगर दिल्ली में ईडी के छापे खबर हैं तो हमारे लिए कश्मीर के सीमावर्ती गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली भी खबर होनी चाहिए। हमारे लिए मिजोरम का बजट भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। सिक्किम में निवेशकों ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है, यह खबर भी हमने अपने पाठकों और दर्शकों को बतानी चाहिए। बात जब लिपियों और भाषा की हो रही है तो मैं इस समस्या की ओर भी आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज लोकल हो चुकी इस दुनिया को अपने इलाके का कंटेंट अपनी भाषा में चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसका अभी अभाव है। आप दिल्ली में बैठे नागालैंड के व्यक्ति को कोहिमा की खबरें देना शुरू कर दीजिए, देखिए कोहिमा में बैठे रतलाम के व्यक्ति को भी उसकी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एक जब तक ये एक तरफा नहीं हो सकता, दो तरफा जब होगा तभी चीजें होंगी। आप जो दिल्ली में बैठा है नागालैंड का व्यक्ति, वो जानना चाहता है कि कोहिमा में क्या हो रहा है, नागालैंड में जो सरकार नई बनी है उसने क्या पहली कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको कहीं अखबार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो भूल जाइए, और अखबार में भी कहीं पिछले पन्ने पे या कहीं जो छोटी जो संक्षिप्त खबरें होती है उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो क्यों नहीं हम उसको बताना चाहते हैं कि आपके शहर में आपके राज्य में क्या हो रहा है, जब आप बताएंगे तभी उसके शहर में जो व्यक्ति आपका बैठा है उसको भी खबरें मिलेंगी। तो ये एक बड़ी हमको परिवर्तन लाना होगा। ऐसे ही आप बॉम्बे में बैठे उदयपुर के व्यक्ति को उसके इलाके की खबर देना शुरू कीजिए, उदयपुर में बैठे नांदेड़ के व्यक्ति को भी उसके इलाके की खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दो तरफा रहने वाली चीजें हैं। भारतीय लिपियां आरंभ काल से वैज्ञानिक रूप से सशक्त हैं और अब भारतीय भाषाओं के फॉन्ट्स को और आकर्षक मोबाइल या पीसी में कम वजन में समाने लायक बनाने के जो प्रयास निरंतर हो रहे हैं वह आने वाले समय में निश्चित रूप से यूजर्स को और बेहतरीन अनुभव दिलाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि छोटा ही रखूंगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे विचार सुनने के लिए आप सभी उपस्थित जनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। निश्चित ही संस्थान की ओर से यह जो विचार मंथन किया जा रहा है उससे वह अमृत निकलेगा जो कि भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध करेगा और साथ ही पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने जा रहे हमारे नौजवान साथियों का मार्गदर्शन भी करेगा। और मैं अपने सभी नौजवान साथियों को अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जब भी कदम रखें, आपकी सारी रिपोर्टें तहलका मचाएं और आप हमारे जो लोकतंत्र है उसका जो चौथा जो स्तंभ माना जाता है मीडिया को उसको मजबूत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्थान को, बहुत आभार कि मुझे अवसर प्रदान किया, और जो कार्यक्रम के आयोजन से जितने भी लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबको एक बार फिर से प्रणाम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।